नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्लैक फंगस ने ली 77 की जान, दुर्गा मंदिर छावनी में टीकाकरण, शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा सीबीएसई बोर्ड। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ब्लैक फंगस ने ली 77 की जान। कोरोना पीड़ित तथा कोरोना से ठीक होने के बाद विविध बीमारियों से ग्रसित मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है। नाक कान सहित शरीर के अलग अलग अवयवों को नुकसान पहुंचाने की वजह से मरीजों की तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। इस बार शुक्रवार को जिले में ब्लैक फंगस की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 77 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि पूर्व विदर्भ से मृत्यु का आंकड़ा 82 पर पहुंचा है। शुक्रवार को जिन 2 मरीजों की मौत हुई है वे निजी अस्पतालों में भर्ती थे। कोविड से रिकवर होने के बाद शरीर के विविध अवयव खराब होने से उनकी मौत हो गई है। शुक्रवार को जिले में 27 और विभाग के 15 नए मरीज मिले हैं। अब विभाग में मरीजों की कुल संख्या 1156 तक पहुंच गई है। भंडारा में शुक्रवार तक 9 मरीज मिले, गोंदिया में 33 मरीज मिले और 3 की मौत हुई। इसी तरह चंद्रपुर में 69 मरीज मिले और 1 की मौत हुई। वर्धा में 76 मरीज मिले और 1 की मौत हुई। विभाग में अब तक 812 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है। इनमें से 750 जिले के हैं और वही 473 मरीज सहित विभाग में 500 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। विभाग में 533 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें जिले के 439 मरीजों का समावेश है। तो वही दूसरे ओर दुर्गा मंदिर छावनी में टीकाकरण। इस केंद्र के शुरू होने से आसपास के नागरिकों को सुविधा प्राप्त हुई है। दुर्गा माता मंदिर छावनी में कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन मंगलवार जोन की सभापति प्रमिला मतरानी डॉक्टर अतिक खान मंगलवार जोन के हाथों कड़व गुरुजी की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। दुर्गा माता मंदिर संस्थान की ओर से डॉक्टर अतिक खान का कोरोना योद्धा के तौर पर सत्कार किया गया। इस केंद्र के शुरू होने से इस आसपास के नागरिकों को सुविधा प्राप्त हुई है। वैक्सीन के लिए सुबह से ही लोगों की कतार लगना शुरू हो गई है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे भी आकर टीकाकरण करा सकते हैं। केंद्र को प्रारंभ करने में सभी ट्रस्टी और सेवाधारियों का सहयोग रहा। तो वही तीसरे और शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा सीबीएसई बोर्ड। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीबीएसई शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा, ताकि बच्चों को नए सत्र में पढ़ाने के लिए आसानी मिले। कोरोना लॉकडाउन के कारण बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ गया है। इसे ठीक करने के साथ ही पढ़ाई में क्वालिटी लाने के लिए टीचर्स को ट्रेन करने की योजना बनाई गई है। सीबीएसई शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 2 माह का फ्री कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रहेंगे। इसमें मास्टर ट्रेनर्स की ओर से टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दी जाएंगी। इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई की मंशा है कि कोरोना के बाद शुरू होने वाले सत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।